नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिवास क्रिएशन। आज मैं ना ही कोई डांस वीडियो लेके आया हूँ, ना ही कोई म्यूज़िक वीडियो, ना ही कोई फिल्म और ना ही कोई ट्यूटोरियल। हाँ, ट्यूटोरियल तो ज़रूर है, पर वो है कुकिंग का। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है और आपके पास भी वक्त है, कुछ सीखिए, नया कुछ सीखिए। आज मैंने सीखा है कुकिंग, आज नहीं, इस पूरे लॉकडाउन में सीख रहा हूँ। सो मेरी मम्मी और मेरी वाइफ दोनों काफ़ी अच्छे कुक हैं, उनके कुकिंग क्लासेस भी होते हैं। सो मुझे कभी मौका नहीं मिला और शायद मैंने कभी ज़रूरत नहीं समझा कुकिंग करने की, पर इस लॉकडाउन पर जब वक्त है तो मैंने सीखा कुछ नया सीखा जाए और मैंने सीखा है कुकिंग। सो अभी मैं सीख रहा हूँ और पहला जो डिश है ये मैंने कुछ 2 हफ्ते पहले बनाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी, यानी सूर्या को ज़्यादातर पसंद आई थी, मेरे डैड को भी पसंद आई थी और बहुतों ने फोटोग्राफ देख के कहा कि कैसे बनाया कैसे बनाया। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्यूटोरियल ही डाल दूँ ताकि आप सब भी इसे देख के सीख सके। बहुत ही आसान सा डिश है, डिश का नाम है मैगी पिज्ज़ा और ये कोई भी बना सकता है, ट्रस्ट मी, कोई भी। अगर मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हो। सो आप भी ट्राई कीजिए और हाँ, कुकिंग सीखिए, बनाइए, कीजिए। बहुत एक बहुत सा उम्दा सा आर्ट है और मुझे तो मैं तो बड़ा फ़ैन हो गया हूँ कुकिंग का। आजकल हर दिन का ब्रेकफास्ट मेरी जिम्मेदारी है, मैंने खुद लिया है। और आप भी अपनी मम्मी, अपनी वाइफ, अपनी बहन की हेल्प कीजिए और घर में कुकिंग कीजिए, बनाइए, उनका हेल्प कीजिए, उनको सरप्राइज़ कीजिए। और चलिए आज शुरू करते हैं मैगी पिज्ज़ा। अगर आपको पसंद आए आप भी बनाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते कि मैं और भी बनाऊं, सो बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में और मैं और भी ये कुकिंग के ट्यूटोरियल्स देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं मैगी पिज्ज़ा। जैसा कि देख रहे हैं आप, मैंने पानी 1.5 कप पानी मैगी उबालने के लिए दे दिया है। सो मैगी बनाना शायद आप सबको आता है, सो मैं फिर मैगी जो है पूरा दे दे रहा हूँ। सो बहुत लोग इसको तोड़ के देते हैं, मैं तोड़ के नहीं देता हूँ। इसके वजह है कि मैगी अगर तोड़ के देते हैं तो वो छोटा छोटा हो जाता है, अगर आप पूरा रख लें सो द स्लाइसेस आर लॉन्ग, सो जो मज़ा आता है ना। सो अभी हम मैगी बना रहे लाइक नॉर्मल प्रोसेस जैसे मैगी बनाते हैं। सो जैसे आप देख रहे हैं अभी मैगी बॉयल होना शुरू हो गया है। सो मैगी को मैंने तोड़ा नहीं है, मैंने फ्लिप कर दिया था और अभी मैगी पूरी तरह से अबाउट बॉयल हो चुकी है। सो इसमें मैं मसाला डाल दूंगा, ये रहा मसाला। सो आज थोड़ी धीमी रखी है मैंने और हमें ये मैगी 80% तक कुक करना है, पूरी तरह से कुक नहीं करना है क्योंकि हम फिर से इसे कुक करने वाले हैं बाद में जब पिज्ज़ा होने होगा। पूरा मसाला डाल दिया है, मैं फिर से कहता हूँ मैं कुक नहीं हूँ यानी शेफ़ नहीं हूँ, मैंने लॉकडाउन से पहले कभी खाना नहीं बनाया पर लॉकडाउन के चलते काफ़ी सारे आइटम बना लिए। सो जो शायद अगर आपको ये पसंद आए कमेंट सेक्शन में बताइए तो मैं और भी डिशेस बना के आपको दिखाऊंगा। सो मैगी को 80% तक होने दीजिए। सो देखिए आप, मैगी अभी भी थोड़ा पानी पानी है, सो अगर आप चाहे तो और थोड़ा कर सकते हैं और थोड़ा कुक कर सकते हैं या तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसमें डालने वाला हूँ कॉर्न फ्लावर। देखिए मैं 2 चम्मच, ये है हाँ टेबलस्पून है, सो टेबलस्पून एक और ये रहा और एक, ये दे रहे हैं हम ताकि ये क्रिस्पी हो सके। ये हमने इसमें मिला दिया है कॉर्न फ्लावर। अगर आपके पास कॉर्न फ्लावर नहीं है सो कोई नहीं, आप इसे बस ठंडा होने के लिए दे दीजिए, 10-15 मिनट ठंडा हो जाएगा सो वो जम जाएगा। और अगर आप जल्दी चाहते हैं तो कॉर्नफ्लावर दीजिए, कॉर्नफ्लावर दीजिए तो बेहतर होगा क्योंकि वो क्रिस्पीनेस इसमें आएगा। सो ये मैंने मिक्स कर दिया है कॉर्नफ्लावर विद द मैगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लाएंगे पैन। सो हम वापस थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा मतलब वही अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून भी ज़रूरत होगा क्या, लेट्स सी, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून नहीं, आधा डाले हम, आधा बाद में डालेंगे। सो तेल हमने डाल दिया है और तेल को थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। सो तेल को स्प्रेड करने के अलग अलग तरीके हैं, एक इजी वे ऑफ स्प्रेडिंग द तेल मैं दिखा देता हूँ आपको। आप एक टिश्यू पेपर लीजिए और चारों तरफ से आप उसे कर दीजिए,
स्प्रेड। ये रहा मैगी, और ये मैगी अब हम डालने वाले हैं इसके अंदर। अब मैगी डालने के बाद आपको इसको थोड़ा स्प्रेड कर देना है और पिज्ज़ा के शेप में लाना है, जैसा शेप होता है पिज्ज़ा का, सर्कुलर फॉर्म, राइट। सो हमें इसे सर्कुलर फॉर्म में लाना होगा। ये एक वेजिटेरियन डिश है, अगर आप चाहें तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं टू गेट नॉन वेजिटेरियन, पर मैं अभी वेजिटेरियन बना रहा हूँ। मेक श्योर कि आपका फ्लेम लो हो, लो फ्लेम में ही आप इसे बनाइए। मोर ऑर लेस इट इज़ इन सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर हो गया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नीचे का पोर्शन है वो हिला के थोड़ा देखिएगा कि ये देखिए हिल रहा है, सो नीचे अटक नहीं रहा है। दिस इज़ अ नॉन स्टिक फ्राइंग कुक फ्राइंग पैन। अब अप्रॉक्सीमेटली एक मिनट बाद हम इसे घुमा देंगे। अब घुमाने के वक्त आपका बहुतों का टूट सकता है, जैसे शायद मेरा भी टूट जाएगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूटने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब हम बनाएंगे वो होगा हमारा फाइनल। सो ये हो गया हमारा टॉप। एक्चुअली इसे वापस से हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। देखिए अगर टूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं है। अभी धीमे आंच में हमें इसे कुक करना है। इसके ऊपर हमें अभी टॉपिंग ऐड करेंगे। मेरे पास है पिज्ज़ा सॉस, जो अभी मैं डालने वाला हूँ। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो कोई नहीं, आप नॉर्मल सॉस भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, वो टोमेटो सॉस हो या हॉट एंड सावर सॉस हो, जैसा सॉस आपको पसंद आए वैसा सॉस आप डाल सकते हैं। सॉस डालने के बाद हम इसको स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम डालेंगे चीज़। सो हर पिज्ज़ा में चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आप चीज़ नहीं देना चाहे तो मेक इट मोर हेल्दियर, सो यू कैन डू दैट। ये गया चीज़। उसके बाद हम डालेंगे और कुछ टॉपिंग्स। मेरे पास अनियन है, सो मैं अनियन डाल दूँगा। आपके बच्चों को या आपको जो भी पसंद है, कैप्सिकम, टमाटर, पीस, कॉर्न, कुछ भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, चिकन आपको फ्राई करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा पिज्ज़ा का टॉपिंग रेडी। उसके बाद हमें और कुछ नहीं करना है, हमें इसे ढक देना है और बस इंतज़ार करना है कम से कम 4 से 5 मिनट। अब हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, जो मुझे मेरे बेटे को पसंद तो है नहीं, पर क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा डालना बनता है। सो पिज्ज़ा भी तैयार हो चुका है, करीब 5 मिनट हो गए हैं। सो चाहे तो और भी हम थोड़ा तगड़ा कर सकते हैं, यानी और भी क्रिस्पी कर सकते हैं, पर सूर्या का ब्रेक ख़त्म होने को आया, सो आई हैव टू गेट इट टू हिम। तो देखिए अब आराम से आप इसे उतारेंगे, तो ये उतर गया और ये रहा आपका पिज्ज़ा रेडी। तो अगर हम इसको स्लाइस करना चाहे तो स्लाइस भी कर देंगे बीच से। सो मैंने अभी पिज्ज़ा को स्लाइस कर दिया है। सूर्या को अंडे पसंद है तो मैं अंडे भी देने वाला हूँ। सो ये तैयार है आपका मैगी पिज्ज़ा।